वार्ड सभासद प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने पर हुआ बेहोश। वार्ड नंबर 36 सभासद का लड़ना चाहता था चुनाव। बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद, गला रेत कर इंटर कॉलेज के लिपिक की हत्या। अशरफ के साले सद्दाम की बड़ी मुश्किलें, बरेली पुलिस ने अशरफ के साले पर बढ़ाया इनाम, 25,000 से इनाम बढ़ाकर 50,000। बुलंदशहर में गंगा स्नान के दौरान दो सगे भाई गंगा में डूबे, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर युवकों की तलाश में जुटे। गाजीपुर में कासमाबाद तहसील के एसडीएम का मिला शव, कमरे में बेड पर पड़ा मिला शव। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर अमरोहा से है, जहां वार्ड सभासद प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने पर बेहोश हो गया। सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 36 से सभासद का चुनाव लड़ना चाहता था। प्रत्याशी के नामांकन पत्र में कई खामियां पाई गई थी। बेहोश हुए प्रत्याशी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ नगर पालिका अमरोहा राजकीय नामांकन स्थल का मामला है। मेरे हस्बैंड जो बेहोश हुआ ना, ये आपको वो था डिसीजन, वो जो ना फॉर्म जो ना हमारे वकील ने थोड़ा सा चेंज होगा। मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं और मैं होती ना तो ये काम नहीं होता। मैं फॉर्म जो ना लिखित रूप में लेके जाती और लिखित ही रूप में वापसी जमा करती। बेहोश हमारे हस्बैंड को ना वैसे इलाज करते हैं ऊपर का, तो इनको बहुत जल्दी से प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी। बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जनपद में जघन्य हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला अरतरा कोतवाली अंतर्गत कस्बे का है, जहां इंटर कॉलेज के लिपिक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बता दें, मृतक देर रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने गया था, तभी हत्यारों ने घर में घुसकर गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। अपने अपराध को छुपाने के लिए हत्यारे सीसीटीवी का डीवीआर उखाड़ कर अपने साथ ले गए। मृतक का उसके भाई से ही संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूछताछ के लिए दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। जनपद में जघन्य हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अशरफ के साले सद्दाम पर बरेली पुलिस ने 25,000 से इनाम बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। बीते दिन एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम रखा था। आज आईजी बरेली जोन राकेश सिंह ने अशरफ के साले सद्दाम पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। वहीं सद्दाम पर एनबीडब्ल्यू भी जारी कर दिया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बड़ा हादसा हो गया। गंगा स्नान के दौरान दो सगे भाई गंगा में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर युवकों की तलाश में जुटे। अनूपशहर मस्तराम घाट पर यह हादसा हुआ। काफी तलाश के बाद भी गंगा में डूबे दोनों युवकों की तलाश नहीं की जा सकी। अलीगढ़ निवासी ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी सेलिब्रेट करने अनूपशहर ये दोनों युवक आए थे। कासिमाबाद तहसील के एसडीएम वीर बहादुर यादव का मंगलवार को सरकारी आवास में शव मिला। बॉडी कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। सुबह एसडीएम जब काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनके अर्दली ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला तो वो घबरा गया। तुरंत ऑफिस के सीनियर अफसरों को सूचना दी गई। कुछ ही देर में मौके पर अफसर पहुंच गए। सीनियर अफसरों ने कमरे की खिड़की का दरवाजा किसी तरह से खोला, अंदर देखा तो बेड पर वो अचेत हालत में पड़े थे। इसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, तुरंत डॉक्टर को मौके पर बुलाया गया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद एसडीएम को मृत घोषित कर दिया। एसडीएम की मौत की सूचना मिलते ही डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे। डीएम ने एसडीएम आवास का गेट बंद करा दिया। पुलिस कमरे की जांच कर रही है। एसडीएम की उम्र 45 साल बताई जा रही है। वो कल रात तक पूरी तरह ठीक थे। खबर सोनभद्र से, जहां नगर पालिका सोनभद्र समेत जिले की 10 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम चंद्र विजय सिंह और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने ओबरा, रॉबर्ट्सगंज और जिले के अन्य नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। नामांकन स्थल को कड़े सुरक्षा घेरे में तब्दील किया गया। 200 मीटर पहले ही बैरिगेटिंग की गई। यहाँ से सिर्फ प्रत्याशी के साथ उनके प्रस्तावक और अभिकर्ता सहित अधिकतम 3 लोग
लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें गहन तलाशी से गुजरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।